लालसोट उपखंड मुख्यालय पर जैन मंदिर में चल रहे 8 दिवसीय अष्टानिका महापर्व के अंतिम दिन विभिन्न कार्यक्रम हुए। सकल जैन समाज लालसोट के तत्वाधान में श्री राहु ग्रह अरिष्ट निवारण 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री शांतिनाथ महामंडल विद्यान का आयोजन हुआ। क्षेत्रीय विधायक निर्मला सहरिया से भी डॉक्टर लगाने की मांग की जा चुकी है, मगर विधायक द्वारा भी इस मामले पर अनदेखी की जा रही है। जबकि रामगढ़ एक धार्मिक पर्यटन स्थल के साथ देश का एक क्रिटिकल स्थल है, जो राजस्थान का प्रथम स्थान है। रामगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दर्जनों गाँव के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। 30 किलोमीटर किशनगंज या मांगरोल जाने की मजबूरी बनी हुई है। बरसात के समय में कालापट्टा नदी, बसलाई की पार्वती नदी की पुलिया पर पानी आने के कारण रामगढ़ टापू बन जाता है, और ऐसे में यहाँ रामगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक नहीं होने के कारण बरसात के समय मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मैं तुलसीराम बसवाल, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस, पूर्व डायरेक्टर पंचायत समिति किशनगंज, आदिवासी शहरी भूख नेता। मैं किशनगंज आबाद विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र ग्राम पंचायत रामगढ़ मुख्यालय से बोल रहा हूँ। यहाँ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में PAC कमोनत की गई सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा। उसके बाद में यहाँ डॉक्टर लगा दिए, स्टाफ लगा दिया, लेकिन भवन नहीं है। 2013 से मैं लगातार मांग कर रहा हूँ। ये आदिवासी शहर या बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ वर्ष 2004 में शहरिया भूख से मौतें हुई थी। तुम्हारे प्रेम सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा यहाँ पर PAC की घोषणा की और PAC उनके प्रयासों से खुली। ये आसपास की 5 ग्राम पंचायतों का मुख्य हाट बाजार केंद्र है, बैंक से लेन देन का केंद्र है, यातायात का, आवागमन का साधन का है, और साथ के साथ में धार्मिक पर्यटक स्थल है, ऐतिहासिक। अभी विश्व में 7वें नंबर और इंडिया में 3रा नंबर और राजस्थान का पहला स्थान क्रेटर पर्यटक स्थल इसको घोषित किया गया है। यहाँ पर PHE पर वर्तमान में PHE पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के पे लगाने के लिए ब्लॉक सीमोचो किशनगंज, जिला सीमोचो 12 को मोबाइल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से कई बार अवगत करा दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पर डॉक्टर नहीं लगाया, जिससे काफ़ी परेशानी यहाँ के बीमार लोगों को महिला डिलीवरी में इनमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर यहाँ से किशनगंज 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूरी है। बरसात के इस मौसम में बरसात गिर जाने पर ये पार्वती नदी आ जाती है, इधर रामपुरे नदी आ जाती है, इधर मध्य प्रदेश में कालापट्टा नदी आ जाती है, जिससे ये टापू रामगढ़ टापू बन जाता है। बाहर से आने वाला दर्शनार्थी भी इस बरसात में फंस जाता है। ऐसे में गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट, महिला डिलीवरी आने पर मौत का मुंह देखना पड़ता है। मैं सम्माननीय, मेरी बात को मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं, चिकित्सा मंत्री महोदय रघुजी शर्मा तक पहुंचाना चाहता हूं।